हाय एवरीवन, मैं हूं अंशु और मेरे यूट्यूब चैनल फूडी फॉर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी एंड टेस्टी मसाला आलू पूरी, जो कि एक टू इन वन रेसिपी है, क्योंकि इसमें आपको पूरी और कचौरी दोनों का ही टेस्ट आएगा। आप इनको ब्रेकफास्ट में खाएं या लंच में या फिर सफ़र में एंजॉय करें, जो कि सभी के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। अभी हम इनको एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। इनको हाथ से बिल्कुल भी मैश नहीं करना है, ग्रेटर से ही इनको ग्रेट करना है, क्योंकि जब हम आलू को हाथ से मैश करते हैं तो वह इवनली मैश नहीं होता है। आलूओं को मैश करने के बाद अभी हम आलू पूरी का डो तैयार करेंगे, जिसके लिए हम लेंगे 2 कप गेहूं का आटा और फिर हम इसमें उसी कप से मेजर कर 1/2 कप सूजी डालेंगे। सूजी डालने से पूरियों में क्रिस्पीनेस आएगी और फिर हम इसमें डालेंगे ग्रेट किए हुए आलू, क्रश किया हुआ गार्लिक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और फिर हम इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन को इस तरह हाथ से रगड़ के डाल देंगे और इसी तरह हाथ से रब करके इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। और फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग और अब हम इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। पानी इसमें एक साथ बिल्कुल भी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। तो डो तैयार हो जाने के बाद अभी हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 10 मिनट हो जाने के बाद अभी हम इसको थोड़ा सा और मसल लेंगे। उसके बाद हम इसको पूरी बनाने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सभी लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। तो अभी मैंने लिया है एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल। तो अभी हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसको पूरी की शेप में बेल लेंगे। ऑयल लगाकर बेलने से पूरी बेलते समय सरफेस पर चिपकती नहीं है, इसलिए उस पर बेलने से पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लें। तो इसी तरह हम पहले अपनी सारी पूरियाँ रोल कर लेंगे। तो अभी हम चलते हैं इनको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। तो अभी हम ऑयल में धीरे से अपनी पूरियाँ डालेंगे। तो पूरियों को सेकने के लिए आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। पूरियों को ऑयल में डालने के बाद अभी हम उनको करछी की हेल्प से हल्के हाथ से इस तरह प्रेस करेंगे। ऐसा करने से आपकी पूरियाँ फूली फूली बनेंगी। पूरियों को सेकते वक्त इनका फ्लेम मीडियम रखेंगे और इनको उलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की इजी टेस्टी एंड इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए। इसी तरह हम अपनी सारी पूरियाँ सेक करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, आपकी गर्मा गर्म खस्ता करारी मसाला आलू पूरी बनके तैयार है।
जो कि बनाने में इतनी इजी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो आप भी इनको एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको यह मसाला आलू पूरी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।